हे गाइस, आज हमने ऑर्डर किया है किचन टाइमर, फिर बोल सकते हैं स्टडी क्लॉक। तो दोस्तों, इसको हम अनबॉक्स कर लेते हैं फटाफट। इसको मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर कर लिया है और ये डिलीवर भी हो चुका है, एक हफ्ते में मुझे मिल गया। तो ये फटाफट हम अनबॉक्स कर लेते हैं। तो ओपन करते कुछ इस बार का दिखेगा। ये मेन क्लॉक का बॉक्स है या फिर बोल सकते टाइमर। तो यहाँ पर 3-in-1 फीचर मिलता है। इसका जो प्राइस है 420 रुपये लगभग पड़े हैं। इसको कट करते हैं एंड हमें इसके अंदर क्या क्या मिलता है देख लेते हैं। हम सबसे पहले इसको मैं क्लॉक ही बोलती हूँ, ठीक है। तो ये मिला है और देखते क्या है, कुछ तो है इसके अंदर। और इसके अंदर एक यूज़र मैनुअल है जो पूरा चाइनीज़ में लिखा है, इसका मतलब ये चाइनीज़ प्रोडक्ट है। और उल्टे साइड में इंग्लिश में लिखा है। ये प्रोडक्ट का बॉक्स देखते ही मैं समझ गई थी ये प्रोडक्ट चाइनीज़ है। तो चलिए अब हमारा मेन प्रोडक्ट को हम ओपन कर लेते हैं। ये प्लास्टिक रैपिंग के साथ आया है। इस प्रोडक्ट में मुझे एक प्रॉब्लम लगी, बस यहाँ पर ये स्क्रीन को पूरी तरीके से गार्ड नहीं किया। मैंने इंटरनेट पर सर्च किया तो पता चला हर एक प्रोडक्ट ऐसे ही पैकिंग की गई है। बहुत ही क्यूट है, इसके और भी बहुत सारे कलर्स अवेलेबल थे। दोस्तों, इस प्रोडक्ट के बैक में आप लोगों को 2 पेंसिल बैटरी लगानी पड़ेगी। और इस प्रोडक्ट को मैंने लगभग 4 दिन यूज़ किया और उसके बाद मैं इस वीडियो को बना रही हूँ। तो इसका मैंने पूरा प्रोसेस देख लिया है कैसे काम करता है, अब आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ मैंने कौन से बैटरी का यूज़ किया है। ये बैक में स्पीकर दिखाई दे रहा है एंड ये इस तरीके से आप रख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बैटरी दिखा देती हूँ। ये ड्यूरेसेल जो पतली वाली बैटरी है, तो मैंने ये यूज़ किया, आपको लोकल मार्केट में मिल जाएगी। तो सभी चीज़ों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको बाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आप इसको लगाएंगे वैसे यहाँ पर साउंड आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको करके दिखा देती हूँ एंड ये हमारा क्लॉक टाइमर कुछ भी बोल सकते हो, तो ये चालू हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर ये चालू हो चुका है, क्लॉक चालू हो चुका है। तो हम इस क्लॉक को ऐसे एडजस्ट करेंगे जैसे मैं कर रही हूँ, हावर मिनट सेकंड। बहुत सिंपल है, आप एक बार देखेंगे तो आप भी सीख जाएंगे, बहुत ज़्यादा ईजी है। तो ये क्लॉक 24 आवर फॉर्मेट में है, मतलब आप लोगों को इस तरीके से ही क्लॉक को यूज़ करना पड़ेगा। तो अभी के बज रहे 8:02, तो मैं यहाँ पर सेट कर लेती हूँ। सेकंड को आप लोग चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑटोमेटिकली चल रहा है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को इस क्लॉक के 3-in-1 फीचर के बारे में बता देती हूँ। फर्स्ट फीचर इसका क्लॉक, सेकंड फीचर इसका टाइमर एंड थर्ड है स्टॉप वॉच, ठीक है। टाइमर आप जैसे इसके ऊपर स्टार्ट एंड स्टॉप के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली चलना स्टार्ट हो जाएगा कि कौन सा काम को करने में आपको कितना सेकंड लगा। और यहाँ से स्टार्ट एंड स्टॉप कर सकते हैं एंड जो क्लियर एंड फ्लैश का ऑप्शन है उस सब क्लियर कर सकते हैं एंड चाहे तो फ्लैश को ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर अगर 6 घंटे का आप लोगों को स्टॉप वॉच चाहिए, मतलब लोग ऐसे करके दे सकते हैं, ठीक है। ये ऊपर टाइमर लिखा है, मतलब ये टाइमर है, मतलब स्टॉप वॉच की तरह काम करेगा। यहाँ पर आप अलार्म भी सेट कर सकते हैं, जो मुझे बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे आप सपोज मान लो 6 बजे का अलार्म सेट करना, 6 बजे का सेट करना है, ठीक है। यहाँ पर क्लॉक में जाना है, ठीक है। और मैं एक सेट कर देता हूँ 6:30 का, ठीक है। और यहाँ से एक काम करती हूँ, इसको 6:31 कर देती हूँ। आप लोग कुछ भी कर सकते अपने हिसाब से, ठीक है। और यहाँ से स्टार्ट जैसे करेंगे ना, यहाँ पर ऊपर ये साइन आ जाएगा, इसका मतलब अलार्म लग चुका है एंड इस वाले में मैंने नहीं लगाया था। तो ये स्टार्ट एंड स्टॉप के बटन के ऊपर क्लिक करूँगी तो लग जाएगा, ठीक है। तो ये 2 अलार्म मैंने लगा दिए हैं। मैंने इसमें और भी अलार्म लगाने की कोशिश की पर इसमें 2 ही अलार्म लगते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं क्लॉक में जाकर। तो इसको यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है दोस्तों। अगर आप लोगों को यहाँ पर अलार्म नहीं चाहिए तो यहाँ पर स्टार्ट एंड स्टॉप के ऊपर क्लिक करेंगे, अलार्म हट जाएगा और उसी से अलार्म आ जाएगा। और इस वाले बटन से क्लियर एंड फ्लैश से ये सूम्स हो जाएगा, ठीक है। तो हमें तो अलार्म चाहिए तो हम वो नहीं करेंगे। और मैं आप लोगों को एक और फीचर दिखा देती हूँ जो मैं बता रही थी, ठीक है। 6 घंटे का हम उतना टाइम नहीं वेट करें, हम यहाँ पर 2 सेकंड का लगा देते हैं, ठीक है, टाइमर लगा देते हैं। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं एंड इस तरीके से नहीं होगा, इसको स्टॉप करना पड़ेगा तो ये ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मोड पर जाकर आप लोग सब चीज़ें चेक कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये 6:30 का अलार्म है, उसके बाद क्लॉक है। दोस्तों, ये प्रोडक्ट मुझे काफ़ी अमेजिंग लगा एंड इससे आप लोगों की प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बूस्ट होगी। और ये प्रोडक्ट आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नॉर्मल फ़ोन में हम अगर अलार्म लगाते थे तो क्या होता था, उठ के सो जाते थे या कभी कभी सुनाई नहीं देता था, लेकिन इसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा खतरनाक है ना कि आप उठोगे ही उठोगे, आपके परिवार वाले भी उठ जाएंगे और मतलब आपकी नींद उड़न छू हो जाएगी, कोई बहुत ही ज़्यादा सोने वाला बंदा भी उठ जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं लास्ट 3-4 दिन से यूज़ करूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा। एंड वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए एंड
ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड नेक्स्ट आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर अभी तक आपने हमें सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।